जो यहाँ का टेक्सचर है पहाड़ों का वो मून की जगह है, मून की जगह मूनलैंड कहते हैं। ओके कर लिया है हमने, मजा आ गया खाना खा के यार। खाना एक नंबर का था, सच बताऊं तो अभी तक ट्रिप पर मैं ऐसा खाना नहीं मिला था, एकदम दिल्ली जैसा टेस्ट था, बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया खा के, दिल खुश हो गया, पेट भर के खाना खा लिया है, मजा आ गया एकदम। तो निकलते हैं अब यहाँ से आगे, देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे। अब खाना खा के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। क्यों भाई, एक नंबर का था ना खाना भाई, मस्त है अर्जुन भाई, एक नंबर का भाई, मजा आ गया भाई, फुल टेस्टी खाना था, एक नंबर का, फुल दिल्ली जैसा खाना था, एकदम घर जैसा, एकदम हाँ घर जैसा। तो बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं, भर पेट खाया, अब ऐसा ही मिलेगा। तो गाइस फिर से स्टॉपेज लिया है हमने, यहाँ पर रुके हम फोटुला टॉप पर, ये है फोटुला टॉप, हाईएस्ट पॉइंट ऑन ले श्रीनगर रोड। अच्छा जी, तो ये ले से श्रीनगर जाने वाले, मतलब श्रीनगर से ले जाने वाले रोड पर सबसे हाईएस्ट टॉप है, तो यहाँ रुके हैं। अमित भाई ने आते ही अपनी फोटोज क्लिक करवाना शुरू कर दी, वो ये देख क्या बात है। तो काफी सारे फ्लैग्स लगे हैं यहाँ पर, एक आध फोटो मैं भी क्लिक करवा लेता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस हम आ चुके हैं मूनलैंड पर, ये पूरी जगह का नाम है मूनलैंड। ये देखो आप जगह, देखो ये पता नहीं क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, तो कार कर दी है पार्क। काफी खूबसूरत जगह है ये मूनलैंड। एक यहाँ पर ये मोनेस्ट्री है, इस मोनेस्ट्री का नाम नहीं पता, आगे जाके नाम बताता हूँ मैं आपको क्या नाम है इस मोनेस्ट्री का। तो भाई इस मोनेस्ट्री का नाम है लामा यूरू, इस मोनेस्ट्री का नाम है। और यहाँ 50 रुपए की टिकट है, भैया ने हमें टिकट दी है। तो ये रही टिकट, 50 रुपए की टिकट है, लामा यूरू नाम है भाई इसका, लामा यूरू। तुम बनाओगे व्लॉग, जगह का नाम तुम्हें पता नहीं होता। तो काफ़ी देखना यार, विलेज कितना प्यारा लग रहा है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है ये देखो। तो टिकट विकेट ले चुकी है, अब अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये पहाड़ी दिखते अपने सफर की तरफ आगे। तो भाई हम यहाँ से लामा यूरू मोनेस्ट्री हमने कवर कर ली है, तो अब निकल चुके हैं हम मूनलैंड भी भाई पीछे। हाँ मूनलैंड भी है ये मूनलैंड, मूनलाइट वे इस जगह का नाम है मूनलैंड। मूनलैंड ऐसा कोई वो सेपरेट कुछ वो नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ हिल्स, पहाड़ की मिट्टी ऐसी लगती है जैसे हिल्स है, नॉट अ पहाड़ हिल्स। भाई मैं 10वीं पास हूँ ना, ओके ओके ओके, जो यहाँ की मिट्टी। हाँ भाई बताओ भाई, जो यहाँ का टेक्सचर है पहाड़ों का वो मून की जगह है, मून की जगह मूनलैंड कहते हैं। ओके तो समझ आ गया होगा आई होप गाइस आप लोगों को।
मुझे तो खैर आ ही गया था, पहले ही बता दिया भाई ने कैमरे के पीछे। तो निकल चुके हैं यहाँ से, बढ़ते हैं हम अपने आगे सफर की तरफ। बढ़िया व्यू है यहाँ का, इतना मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और बाकी मैग्नेटिक हिल भी रास्ते में पड़ेगा शायद, है ना नवनीत? हाँ भाई शायद पड़ेगा। हाँ। अब वैसे भी रास्ते में ही है, अगर पास पड़ा तो हम देख लेंगे, अगर डे लाइट रही ना ऐसी तो देख लेंगे, रुक जाएंगे कवर कर लेंगे। हाँ। नहीं तो फिर फुर्सत से आएंगे उसके लिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे आएंगे भाई उसके लिए आएंगे। हाँ अगर हो सका तो अभी कर लेंगे, देखो मून लाइट यहाँ पे 8 बजे रहती है ना, देख लेंगे बाकी। हाँ देखते हैं, चलो चलो। और लाइट वाइट रही सही, जैसे धूप हो गई है मतलब थोड़ी भी अगर डे लाइट रहेगी ना तो आज ही कवर कर लेंगे, नहीं तो भाई नेक्स्ट डे आना पड़ेगा उसके। बिल्कुल भाई। और बाकी देखते हैं, अब मेरे ख्याल से तो शायद हमें बीच में अब कहीं रुकना नहीं होगा, और अगर कोई पॉइंट वॉइंट आता है तो बीच में रुक जाएंगे, वो भी दिखा देंगे आपको। बाकी तो अब ले के लिए ही चल रहे हैं, कोशिश यही है कि ले जाके रुक गए। यार व्यू ऐसे ऐसे आ रहे ना, क्या बताऊँ, रेड पहाड़, हर हर मोड़ पे पहाड़ के कलर चेंज हो रहे हैं, हर मोड़ पर तरह तरह के हिल्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत मज़ा आ रहा है यार ड्राइव करने में। बिना ये जो एक्सपीरियंस है मिल रहा है ना मुझे ड्राइव करके, सच बता रहा हूँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। ये आगे राइडर्स जा रहे हैं, इन लोगों की भी हिम्मत है यार, इनकी भी भाई हिम्मत माननी पड़ेगी यार सच में भाई, हमारे बस की नहीं है। और कहाँ से आए हैं? के ए कर्नाटका से आए हैं बता यार भाई, हमसे दिल्ली दिल्ली में ही नहीं चलती टू व्हीलर ज़्यादा देर, इनकी क्या हिम्मत है यार, मतलब इनके अंदर ना एक जुनून है। ये देख जा रहे हैं सारे राइडर्स, वाह। तो इनके अंदर एक जुनून है, वो जुनून हमारे में भी है बट हमारे में फोर व्हीलर का है, फोर व्हीलर हमें ले जाओ आप कहीं, बट भाई टू व्हीलर पे तो हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे बिल्कुल भी बस की नहीं है टू व्हीलर पे जाना, गाड़ी में ही हमारी हालत ख़राब हो गई, टू व्हीलर में तो क्या ही होगा। बाकी इनका अपना अलग इंजॉय है, गाड़ी से अपना अलग इंजॉय है। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम खलसी चेक पोस्ट पर, और यहाँ पर एक एंट्री फ़ी है, यहाँ पर एक स्लिप कटवानी पड़ेगी और वहाँ जाकर दिखानी है, तब वो हमें आगे जाने देंगे। यहाँ पर कट रही है स्लिप, पर्ची कितने की है? फ्री है तो भाई कोई एंट्री फ़ी नहीं है, फ्री है बस पर्ची कटवानी है, पर्ची कटवा लेते हैं फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो भाई सिर्फ यहाँ पर ये है कि अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ और ये स्लिप कटेगी, स्लिप कटवाओ, और कितने लोगों को आप गाड़ी में ये बताना है, चारों का वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्लिप दिखा के आप जाओ आगे। तो आगे से अभी स्लिप दिखाते हैं और बढ़ते हैं हम आगे, इस स्लिप को देना है अब यहाँ पर ऑफिस में। ये चेक पोस्ट है और यहाँ पर स्लिप देनी है। हाँ जी, गाड़ी नंबर DL8CAH5787। हाँ जी, फिफ्थ फिफ्थ, ठीक है, थैंक यू। तो भाई स्लिप भी चेक हो चुकी है, यहाँ भी गाड़ी नंबर वगैरह नोट किया, कितने लोग हो आप, ये वो फलाना ढिमकाना। तो चलते हैं वागी, इतनी दूर रह गई बस हमारी डेस्टिनेशन, चले ब्रो। ओके चलो, चल ले जाओ आगे, ले जाओ आप। तो चलो भाई हम भी गाड़ी में बैठे और निकले यहाँ से। भाई रुके एक दोबारा से बढ़िया से व्यू के साथ, मुझे नहीं लगता हम नॉन स्टॉप जा पाएंगे लद्दाख बिना रुके, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे व्यू आएंगे तो कौन रोक पाएगा अपने आप को, भाई हम तो नहीं रोक पाएंगे। ये देख रहे हो आप व्यू, ये तो नीचे चले गए अर्पित और अर्जुन भाई। हाँ भाई अर्जुन भाई। हाँ जी बोलो। तो हम भी आ रहे हैं अभी नीचे, आ रहे आ रहे, यहीं से कूद जाऊँ, कैच कर लो मुझे। नीचे जाने का मन था हमारा बट ये काफ़ी थोड़ा रिस्की है, ये दोनों तो चले गए और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा होने से पहले हम सोच रहे हैं कि लद्दाख पहुँच जाएँ। ओए आराम से, आराम से, खतरों के खिलाड़ी, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। अर्पित ब्रो भी एक बार में ही आ गया भाई, ध्यान से गिरियो।
बहुत ध्यान से गिरना है। तो ये लोग आ चुके हैं ऊपर, आगे ही बढ़ते हैं यार, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, शाम हो रही है, इससे पहले अंधेरा हो तो हम चलते हैं। ये जा रहे बाइक राइडर्स। तो गाइस अब गाड़ी कर रहे हैं चेंज, क्योंकि भाई हैं जो ड्राइव कर रहे हैं वो थोड़ा थक चुके हैं। कशिश भाई पीछे जाके बैठ गए, तो अब हम करते हैं ड्राइव इसको और चलते हैं आगे। बढ़िया बढ़िया रोड के साथ क्या मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। और एक बात तो भाई माननी पड़ेगी, हिल्स पे जो गाड़ी चलाने का मजा है ना, ऊंची गाड़ी का ही है। अभी तक मैं स्विफ्ट चला रहा था, बट वो मजा नहीं आ रहा था जो अभी नोवा चलाने में आ रहा है। तो सैभी भाई बढ़िया बढ़िया रोडों पे मजा आ रहा है, आगे इससे बड़ी गाड़ी दिलवाऊंगा आपको, टेम्पो ट्रैवलर। तो टेम्पो ट्रैवलर चलवाएंगे आगे। क्यों भाई, मजा आ रहा है? उसको तो बहुत मजा आ रहा है जी, इसको तो भाई मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, फुल एंजॉय हो रहा है, फुल एंजॉय। तो भाई बस ले हम पहुंचने वाले हैं, सुबह से शाम हो गई निकले हुए। ले भाई कितना किलोमीटर रह गया? ले ये 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से। 30 किलोमीटर तो क्या लगता है आपको कितनी देर? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो कोशिश पूरी है आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बट पता है क्या, हमारे पीछे वाले बंदे ज्यादा पीछे रहेंगे, दिख भी नहीं रहे वो कहाँ चले गए, और इतनी तो स्पीड में भी चल रहा है। कोई नहीं आ जाएंगे अपने आप, पहले हम पहुंचे। बाकी यार व्यू एक नंबर का आ रहा है हर तरफ से, व्यू खत्म ही नहीं हो रहा। कितनी फोटेज बनाऊं मैं, पता नहीं कितने पार्ट में बनेगा ये व्लॉग। वो यहाँ लगा हुआ है थोड़ा सा ट्रैफिक आगे, पता नहीं क्या फंस रहा है आगे, मेरे ख्याल से भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, रुका हुआ है बीचों बीच। और टाइम कितना हो गया भाई? 7:40 हो रहा है, और देख लो रोशनी कैसी है, बढ़िया दिन हो रहा है। और हमारे यहाँ तो 7 बजे ही, मतलब 6:30-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो देखते हैं भाई कितनी देर लगती है अब इस ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, चलते हैं फिर ट्रैफिक खुलते ही आगे धीरे धीरे। तो गाइस ले में एंट्री करने से पहले चेक पोस्ट है, ले पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 50 रुपए की एंट्री है। तो भाई यहाँ ले कितनी दूर रह गया अभी, ले में एंटर कर गए हम? 16 किलोमीटर अभी। तो ये चेक पोस्ट कौन सा है? ये तो फ्यांग का चेक पोस्ट है। फ्यांग? हाँ जी सर, फ्यांग। तो ओके ब्रदर, ओके सर, चलो। तो गलत फहमी थी छोटी सी एक, कि हम ले में एंटर कर चुके हैं, ले अभी रहेगा 16 किलोमीटर। और बल्लू अंकल, बल्लू अंकल बैठे आराम से। तो एंट्री कर लिए, यहाँ पर टोल था छोटा सा एक 50 रुपए का, बढ़ते हैं आगे, अब 16 किलोमीटर भी कट जाए जल्दी से। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लद्दाख लेह में, और अभी यहाँ होटल की सर्चिंग चल रही है, सारे लोग गए हैं होटल ढूंढने। तो देखते हैं कोई बढ़िया सा होटल मिल जाए भाई, थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह के चले हुए हैं, अब तो बस ऐसा लग रहा है बेड मिल जाए, बेड पे लेट के रेस्ट कर ले आराम से, और बस रेस्ट ही करना है भाई, थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ आपको। तो देखते हैं भाई कैसा होटल मिलता है, देखते हैं कैसा, देख कर आते हैं होटल, फिर करते हैं स्टे, दिखाते हैं आपको होटल भी। फाइनली भाई एक बहुत लंबे सफ़र के बाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं ले, और इतना ढूंढने के बाद एक होटल मिल चुका है हमें। होटल भी ठीक है, रूम हम देखा है, रूम भी अच्छे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं रूम, और ज़रा गाड़ी से सामान वामान लिया है, फिर आपको रूम। बाकी होटल अच्छा है,
तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ रूम, सामान वामान लिया है, सामान रखते हैं फिर दिखाऊंगा आपको। तो भाई रूम मिल गया सेकंड फ्लोर पर, और थोड़ी सांस फूल गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। ये है रूम नाइट स्टे करने के लिए, ठीक है यार। और ये वॉशरूम है, सही है वॉशरूम भी, गर्म पानी वगैरह सारी फैसिलिटी है। तो अब करेंगे रेस्ट और इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं एंड। बहुत मेहनत लग रही है भाई व्लॉग बनाने में, प्लीज़ शेयर करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब करो जो नए लोग हो, और सपोर्ट करो यार अपने भाई को। ओके बाय बाय।